झारखंड में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। आपको बता दें, हजारीबाग, कोडरमा और चतरा सीट पर मतदान जो है वो संपन्न हो गया है। लोगों ने बढ़ चढ़ कर किया अपने मताधिकार का प्रयोग, शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ पांचवें चरण का मतदान। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का पांचवा चरण और झारखंड में दूसरे चरण का मतदान जो है वो संपन्न हो गया है। झारखंड के तीन लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है, हजारीबाग, कोडरमा और चतरा सीट पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो गया। आपको बता दें कि सुबह से अपने बूथों पर पहुंचकर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग किए और लगातार आपको बता दें कि आज दूसरे चरण का जो मतदान है वो संपन्न हो गया है। झारखंड के तीन सीटों हजारीबाग, कोडरमा और चतरा पर मतदान संपन्न हो गया है। लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, वहीं शांतिपूर्वक ढंग से दूसरे चरण का जो मतदान है वो संपन्न हुआ है। तो लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण का आज झारखंड में दूसरा चरण का, जहां पर तीन सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है, कोडरमा, हजारीबाग और चतरा में लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह 7 बजे से सभी लोग लंबी कतारों में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे और शाम 5 बजे मतदान जो है वो संपन्न हो गया है। सभी जगह शांतिपूर्वक तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। और इस पर अधिक बात करने के लिए फोन लाइन पर स्टेट हेड राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, शांतिपूर्वक दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है तीनों सीटों पर? देखिए निकेत, निश्चित तौर पे देखा जा सकता है कि जिस तरीके के माहौल के बीच कहा जा रहा था कि चुनाव होना है और ऐसे में जब मतदान खत्म हुआ है उसके बाद से ये माना जा रहा है कि अब गिनती जब होगी तब पता चल पाएगा कि आखिर किसके खेमे में कितने वोट पड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि कहीं पे कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है और किसी तरह की कोई वारदात नहीं होने के कारण कहा जा सकता है कि बेहतर तरीके से मतदान हो पाया है। और अभी की बातचीत की है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर कितने प्रतिशत वोट पड़े हैं तीनों जगहों पे, उसका आकलन थोड़ी देर में हो पाएगा। लेकिन साफ तौर पे कहा जा सकता है कि मतदान शांतिपूर्ण होने से ये माना जा रहा है कि बेहतर स्थिति बनेगी। जी राकेश जी, लगातार हम सुबह से हमारे जो संवाददाता है फील्ड पर बने हुए हैं तमाम जगहों पर, और देखा जा रहा है कि लंबी कतारें लगी हुई, लोग बढ़ चढ़ कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो बूढ़े भी हो लेकिन वो पहुंच रहे हैं और अपने अधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। अनुजेत, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे थे कि चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी की गई थी, प्रशासन और पुलिस के लोग लोगों को भरोसा जता रहे थे और साफ तौर से लोकतंत्र पर तमाम लोगों को विश्वास जताने की कोशिश की गई थी, और नतीजा सामने है कि लंबी लंबी कतारें देखने की नहीं है। चाहे बुजुर्गों की बात की जाए, महिलाओं की बातचीत की जाए, या फिर कहा जा सकता है कि पहली बार जो मतदान दे रहे थे उनके बारे में बातचीत की जाए, सभी ने अपने मत का प्रयोग किया है। और हो सकता है कि थोड़ी देर में जब आंकड़े सामने आएंगे वोट के प्रतिशत का, तब पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ रिजल्ट आएगा या किस तरीके से किस दिशा में झुकाव हो सकता है। जी जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए।